जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन की आज की क्लास में। जो नई क्लास है जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है परसेंटेज की, तो इसी का अगला सवाल, अगला टाइप शुरू करते हैं जो कि वॉल्यूम पर आधारित है। घन पर आधारित प्रश्नों को हम लेकर शुरुआत करेंगे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं या पहले भी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्षेत्रफल से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, देख सकते हैं आप। तो इसमें हमने मैंने आपको बताया था कि कमी या वृद्धि होती है तब हम इस प्रकार से जो क्वेश्चंस को करते हैं बच्चों। तो इसी प्रकार से जो है आयतन पर अगर क्वेश्चन आ जाए, किस पर आ जाए, आयतन पर आ जाए, तो किस प्रकार से करेंगे, तो भी हम सेम क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। मगर अब आपको पता है घन है, घन मतलब आप समझ रहे हो ना, क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। के आयतन, घन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है आपको लर्न रखना चाहिए कि घन के यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो है वो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो वो होता है साइड क्यूब, ऐसे जैसे कि ए क्यूब, ठीक है। साइड क्यूब यानी कि हमारे पास जो उसकी साइड है वो तो 10% उसमें बढ़ रही है हर तरफ से, यानी कि ए क्यूब हो रहा है तीन बार, यानी कि बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, वृद्धि हो रही है उसके आयतन में कि कमी हो रही है वो अब आपने देखना होता है। तो घन के आयतन में ये वृद्धि हो रही है तो इसलिए प्लस कर लेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस कर लेंगे। एक्स की वैल्यू आपने 10 लेनी है, वाई की वैल्यू भी आपने है 10 ही लेनी है। अब हम करेंगे कैसे, वही प्रोसेस, 10 + 10 × 10 × 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 10, 20 और 21, तो 21% की यानी कि वृद्धि हुई। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको पता है इतने तो हमने दो साइडों का निकाला, तीसरी का निकालना है, तो ये फिर से आपने अगेन यहाँ पर x की वैल्यू 21 ले लीजिए और y की वैल्यू फिर से 10 ले लीजिए। अगर वृद्धि है तो प्लस का 10, कमी है तो माइनस 10 बचो। तो सेम भाई 21 + 10 + 10 × 21/100, इसमें 10 डाल दिए 31, 0 से 0 किया तो 2.1 प्लस कर देना है आपने इसको, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 33.1, क्योंकि क्या हुई है, ये क्वेश्चन जो है वो दो दो बार करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वॉल्यूम के आधारित क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है, इसी टाइप से प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन में भी 10% 20% हमारा दिया गया है, और मगर इसमें जो है वो तीन वैल्यू दी गई है और आई गई, तो आपने डरना नहीं है कि तीन वैल्यू दी है तो सर तीन क्यों दे दी, दो होती तो ज्यादा अच्छा था, तीन हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने तीन को भी लेकर इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। पहले आप पहली दो को ले लीजिए, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उससे हमने तीसरी को ले लीजिए। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले क्या बोल रहा हूँ, x की वैल्यू आप 10 ले लेंगे और y की वैल्यू 20 ले लेंगे, मगर अब बढ़ाया है या घटाया है ये आपको पूरा फोकस होना है। घटाया है तो इसलिए हमने माइनस माइनस लिख दिया बच्चों, क्या आएगा -10 - 20, माइनस के ही आएंगे यहाँ पर या प्लस के आएंगे, क्योंकि तो दोनों सिंबल माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 × 20/100, तो से 0 के 10 का 2 बच गया और यहाँ पर बच गया क्योंकि माइनस के ही, क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस के 28 आ गए, यानी कि -28 का मतलब तो आप समझ गए होंगे 28% की कमी हो रही है। मगर क्वेश्चन में तो तीन वैल्यूज दी हुई हैं, क्योंकि तीन बार घटाया गया है तो ये 10 बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम
एक्स की वैल्यू को फिर से -28 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू को -10 अगेन लेंगे। मतलब जितनी बार दिया है उतनी ही बार ये करना पड़ता है, सेम वही प्रोसेस 28 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 28 10 ओवर 0 से 0 गया प्लस 2.8 इसमें टोटल हो गया आपका 38 में से जो है आपका 2.8 लेस कर लेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे 2.8 को हम क्या कर लेंगे लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35.2 लगभग कितना होगा 35.2 लगभग हो जाएगा परसेंटेज, यानी कि आपका आंसर बना 35.2%। मैं फिर से साफ साफ लिख देता हूँ कहीं पे आपको दिक्कत ना आए, और इन क्वेश्चंस को जो है जरूर आप एक बार नहीं दो दो बार देखेंगे, मुझे लगता है कि कमी ही नहीं रहेगी क्वेश्चन में कि हाँ हमें समझ नहीं आया। जितनी बार आप इस वीडियो को देखते रहेंगे उतना ही ये परफेक्ट जो है क्वेश्चंस जो है वो आपके होते चले जाएंगे, ठीक है। वीडियो को जो है ना बार बार देख देख कर आप क्या करें खुद को परफेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का यानी कि इनकम का 5% निर्धन कोष, निर्धन कौन सा होता है, जैसे कि गरीबों को जो देते हैं तो हम बोलते हैं निर्धन कोष, दान शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करवाता है, यानी कि पक्का ये नौकरी वाला बंदा है तो ही ये बैंक में पैसे भी जमा करा रहा है, गरीब पता है कि मेरे को पैसा परमानेंट आना ही आना, अंत में उसके पास 1919 रुपए ही बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है इनकम कितनी है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सबसे पहले याद रखिएगा इनकम मल्टीप्लाई जो भी खर्चे दिए हैं इक्वल टू सेविंग के इक्वल होगा, इसके बराबर होगा सेविंग के इक्वल होगा। अब ये खर्चे एक्सपेंडिचर, अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे, मैं बोल रहा हूँ अंत में उसके पास कितने पैसे बचे थे 1919, यानी कि उसके पास सेविंग जो है वो 1919 रुपए की हुई। आप बोलेंगे नहीं सर उसने तो 20% बैंक में जमा करवाए हैं वो भी तो सेविंग ही है। भैया वो सेविंग है बट उस वक्त बंदे से पूछिए यानी कि उस आदमी से पूछेंगे कि सेविंग है तो वो बोलेगा नहीं भैया ये तो मेरा खर्चा है, क्या वो खर्चों में ही इसको गिनेगा। और निर्धनों को कितना दिया उसने अपनी इनकम का 5% यानी कि 95 रह गया, गुणा 20% किस पे दिया था बैंक में जमा करने के लिए तो 80 रह गया। इस प्रकार से आपने माइनस कर लेना है 100 में इनकम इक्वल टू 1919 गुणा ये सभी उल्टे हो जाएंगे 100/95 और 100/80। अब आपने इसको है सिंपलीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना, क्या बोला मैंने तो सिंपलीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। 1919 जो है वो किससे कट जाएगा सोचिए आप, क्या 4 × 8 × 8 5 से 25 5 5
इसको भाग करेंगे और आ गया सो जिस आ गया। सो एक 25, 25 25 के ही बराबर पर आ ये इसकी इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन क्या करना है। इसी के मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं वो हम और भी करेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देता हूं मैं इसी टाइप का। मैं भी 3600 रुपये की बचत करती है, सकते हो यदि भी 3600 रुपये की बचत करती है तो इनकम कितनी है, कुल इनकम आय कितनी है। वही सवाल उसी तरीके से है, आय पूछा है बच्चों। मैंने क्या बताया आपको, इनकम गुना खर्चे क्या है, इनकम गुना खर्चे इक्वल टू सेविंग के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, सेविंग के बराबर, यानी कि बचत के बराबर होते हैं। तो इसमें भी वही है, इनकम हमारे पास निकालने को पूछी है, खर्चे कितने दिए, मकान का किराया दे रहा है वो 80/100 रह गया, शेष 70% घरेलू खर्चे हैं, जो भी उसके दाल सब्जी दाल जो भी घर का खर्चा है, ठीक है जी, तो 70 रह गया तो 30, और बचत कितनी है 3600, 3600 इनकम इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, 3600 गुना 100/80 गुना 100/3। अब कैसे करेंगे, जीरो से ये जीरो से दो जीरो तो गई, ये जी तीन से तीन एकम तीन, तीन दुनी छ, ठीक है बच्चों, चार से चार दुनी आठ, चार दुनी आठ और पांच 20, दो से दो छिके 12, आ गया 600 गुना 25, कितना आ गया 600 गुना 25, ठीक है। अब 600 को 25 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, वन फाइव जीरो 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 कितना आएगा, 15000, यानी 15000 रुपया जो है वो उसकी सैलरी है। तो ये थे बचत पर आधारित क्वेश्चन, बचत और इनकम दोनों पर ही, अगर इनकम की होती तो सीधी बचत। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, जो कि है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि आज का हमारा लास्ट सेशन में ही रहेगा, क्योंकि आपके पास, मुझे मालूम है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, इसीलिए मैं लिमिटेड क्वेश्चंस को ही लेकर आता हूं। जब तक हमारे एक एक क्वेश्चन साथ साथ नहीं होंगे, स्पीड कभी भी नहीं बनेगी, याद रखिए स्पीड कभी नहीं बनेगी अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करते हैं हम, याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए। त्रिपक्षीय क्या है क्वेश्चन, त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय मतलब क्या होते हैं, तीन पक्ष, यानी पहला और तीन सेक्शंस में त्रिपक्षीय इसको बोलते हैं। एक चुनाव हुआ जिसमें ए को, यानी कि पहले वाले का नाम ए दे दो, दूसरे का नाम बी, ठीक है जी, तो ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ है, ए को कितने मत पड़े हैं, पढ़ सकते हैं 10% मत पड़े हैं जी, 10% वोट पड़ गए जी, और वे तीसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा है ये ए जो है, स्थान बदलने पड़े, बी को 48% मत पड़े, बी को हम लेके चलते हैं 48, और 1200 मतों से जीत गया, और बी जीत भी गया, विनर है, ठीक है। तो अब सी को कितने पड़े,
पहला सवाल तो यही आएगा, मैं बोलूंगा भैया 48 वो 10 वो हो गए कितने, 58, 58 यानी कि 100 में से 58 के 42 सी को पढ़े हैं, ये दूसरे स्थान पर रहा है कौन, ये बी रहा पहले स्थान पर, सी कौन से स्थान पर रहा, वो रहा दूसरे स्थान पर, ये हमारे अंडे हैं जो आपको दिमाग में रखे। क्लियर हो गया। अब बोला है कि ये जो बी है वो कितने वोटों से जीत गया, 1200 से मतों से जीत गया, जीता किससे, बी से, सी से नहीं जीत, सी से जीत गया, ए से तो उसका फंडा ही नहीं था कोई भी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1200 वोट हैं, ठीक है, 1200 जो वोट हैं उसका क्या अर्थ है, वो अर्थ ये है कि वो जो बंदा है, वो जो बंदा है जो जीता है वो उससे 1200 अधिक वोट लेकर जीता है, क्या है, अधिक वोट लेकर जीता है, तो कितने का डिफरेंस आया, 6%। प्रतिशत में भी यही डिफरेंस लेना है, क्योंकि तो वो 1200 मतों से किससे जीता है, सी से, जिसने 42% वोट लिए। अगर मैं कहूं कि मैं भैया 1200 मतों से जीत गया हूं, तो मतलब मैंने 1200 मत ज्यादा लिए हैं। अगर मैं बोलूं 1200 मतों से हार गया हूं, इसका मतलब मेरे को 1200 कम मिले हैं, वो भी एक डिफरेंस है। तो 1% कितने के बराबर हो, 1% निकालिए, 6 से भाग कर दीजिएगा तो 6 दूनी 12, 200, टोटल हमारा प्रतिशत कितना होता है, 100। तो इसलिए दोनों साइड आपने क्या करना है, 100 से गुणा करना है प्यारे बच्चों। तो टोटल आपका कितना आ गया, 20 आ गया, 20%। तो टोटल जो है चुनाव में मतदाता डालने जो आए थे वो कितने आए थे, 20,000 आए, ये इस क्वेश्चन का हल रहेगा प्यारे बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए और बी थे, कुल मतों का 45% मत प्राप्त किए, परंतु 1000 मतों से हार। दो बंदे हैं, ए है एक बी है, ए को 45% वोट पड़े, ध्यान से देखना बेटा, ए को कितने पड़े, 45%, तो दूसरे को कितने पड़े हैं, 55। तो वो व्यक्ति जो है 1000 मतों से हार गया, कौन, ए हार गया, कितने मतों से हार गया, 1000 से, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का पड़ गया, वो पड़ गया 10% का, 10%, मतलब हमारा जो 10% है वो 1000 के बराबर, हमारा 1% कितने के बराबर हुआ, 10 से हम बात कर दे 100 हुआ। हमें तो पूरा मत निकालना है, टोटल मतदाताओं की संख्या, और हमारी टोटल संख्या कितनी होती है, 100%, इसलिए हम दोनों साइड से 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, आपका क्या हल आ गया, 10,000 जो है कुल मत डालने वाले व्यक्तियों की क्या थी, संख्या थी। ये था एक हमारा अगला टाइप। प्रकार से नेक्स्ट टाइप की तरफ चलता हूं, ये है मिश्रण पर आधारित, मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पहचानना है आपको इस सवाल को भी और हर सवाल को, वो किससे जुड़ा हुआ सवाल है, मिक्सचर से जुड़ा हुआ ये सवाल है। देख सकते हैं अल्कोहल और पानी, जब मैंने देखा था तभी मुझे समझ आ गया कि ये एक मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको भी यही पहचानना है कि ये किसके रिलेटेड क्वेश्चन है। 40 लीटर विलयन था, मतलब मिक्सचर है, ठीक है, या सॉल्यूशन है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 40 लीटर का आपका मिक्सचर है या सॉल्यूशन है, जो मर्जी समझ सकते हैं। अब इसमें अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो 25%, कोई बात नहीं।
अब मुझे तो लीटरों में दिया है, 40 लीटर है, ठीक है, और इसमें 25% अल्कोहल है, तो मैं क्या करूंगा, 40 का 25%, क्या करूंगा, 40 का 25% निकालूंगा, तो कितना आ गया, इसका मतलब आ गया 10 लीटर जो है वो हमारा अल्कोहल है, और 10 में 40 में से 10 लेस कर दो, 30 लीटर क्या आ गया उसमें आपका पानी। अब बोला है क्वेश्चन में अल्कोहल कितने लीटर कम किया जाए, क्या बोला है, अल्कोहल को कम करना है, ठीक है, अल्कोहल 10 था तो उसको कम कर दिया, मुझे नहीं मालूम कितना कम करना है, ये एक्स लगा लिया, बटा 30 वो पानी का, अब अल्कोहल इतना कम किया जाए कि 20% होता है, मतलब इसको अल्कोहल के सामने ही आपने 20 किया, तो फिर पानी को आपको क्या करना पड़ेगा, 80 टोटल हो गया हमारा 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया, 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, 4x बराबर है 30 माइनस 4x बराबर है 30 माइनस 40 के 4x, चार एक्स माइनस के आ गया 10, माइनस से माइनस किया, एक्स बराबर है 10 बटा 10 बटा 2 5 10 5/2, इसको हम 2.5 भी बोलते हैं, 2.5, 1/2 भी लिख सकते हैं, 2.5 जो है वो लीटर जो है हो जाएगा, अल्कोहल कितने कम डाला जाएगा, 2.5 लीटर जो है कम हो जाएगा, ये इसका अगला सवाल है, दो धातुओं के 25% सॉरी 25 ग्राम मिश्रण, कितना मिश्रण है जी, टोटल मिश्रण कितना है जी, 25 का, किस चीज का मिश्रण है, धातु में पहली धातु बोला है फर्स्ट एंड सेकंड, हम भी ऐसे ही रखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ज्यादा नहीं हम, अब बोला है पहली धातु जो वो 40% धातु है, 40% है तो मुझे क्या पता कितनी है, 25 का आप क्या ले लेंगे 40%, 25 कम 25 25 चौके 100 और 4 पाई आ गया, टोटल 10 जो है वो आपकी पहली धातु है, 25 में से 10 बच्चों लेस हो जाएंगे तो रहेंगे, दूसरी धातु कितनी होगी 15, एक 10 हो गई दूसरी 15 हो गई धातु। अब आगे पढ़िए, बोला है कि दूसरी धातु की बात बोले कि कितनी कम कर जाए, दूसरी यानी कि 15 वाली, ठीक है जी, 15 माइनस है पहली धातु ऊपर की एज टू एज वैसे ही आएगी कि वे 50% हो जाए, दूसरी की बात की थी तो मैंने उसके सामने क्या लिखा, 50 लिखा, क्यों लिखा, दूसरी धातु की बात की, अब मुझे तो पूरा 100% बनाना है, इसके ऊपर जो बच गया 50 का 50 ही आएगा, अगर वो दूसरी धातु उन्होंने कितनी लिखी होती, उन्होंने लिखी होती 30, तो मैं ऊपर लिखता 70, तो इसी प्रकार से 50 से 50 ये कैंसिल हो गए, एक क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बराबर है 15 माइनस है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये इसका जो है वो हल रहेगा, 5 ग्राम जो है का सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से जो है हमारे ये क्वेश्चंस बने रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चंस का जो है हम क्लास का और भी आगे स्टैंडर्ड को उठाएंगे।
तब तक बने रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पे। जय हिंद, जय हिमाचल।